हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास टेंथ का सब्जेक्ट आपका मैथ है और चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर का आपको हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि CBSE बोर्ड के लिए भी यूजफुल है और जैक बोर्ड के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, तो दोनों बोर्ड के लिए 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये आपके काम का है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो देखिए, पहले बना करके क्वेश्चन आपको हम पहले दिखा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो आप बनाइए, और नहीं तो इसका भी सॉल्यूशन भी करेंगे, तो इस आप देख लीजिएगा कि कहां पर आपका गलती था। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से एक्टिव क्वेश्चन 2025 के लिए आपको चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमें ज़रूर बताए कीजिए। जो आप सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कहेंगे उस सब्जेक्ट का सबसे पहले अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और आपको जानकारी दे देते हैं कि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के 12 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर किसी भी चैप्टर का सोल्यूशन हो, वो सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ आपका CDS एग्ज़ाम के लिए हो गया, फिर NDA एग्ज़ाम के लिए उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसका सोल्यूशन सभी आपको इस चैनल पर मिलेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा जो सेशन है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, आप इसको पहले देखिए बना करके, अगर आपसे बनता है तो ट्राई कीजिए, और नहीं तो देखिए इसका सोल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर पढ़ चुके हैं तो आप ज़रूर इसको सॉल्व करें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्लियर है। अगर इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर इस फॉर्म में अगर नहीं आता है, जैसे कि अगर ये a इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए और अगर a इक्वल टू यहाँ पर जीरो आ जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्लियर है। चलिए तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्लियर है। चलिए तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो ए है, इसी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो यहाँ पर मिलेगा हमें, दो तो बाहर है तो दो को अगर एंटर करेंगे तो इसको ब्रेक करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा, लेकिन बाहर में दो है तो फोर हो जाएगा, फोर एक्स प्लस बी स्क्वायर तो वन होगा, लेकिन बाहर में था ये, और इधर आपका इतना है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमसे पूछा है नहीं वाला, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर नहीं हटेगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें, तो ऑप्शन नंबर जो सी आपका है, ऑप्शन नंबर सी है, इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जब सी को आप ब्रेक कीजिएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर टू एक्स है और एक एक्स यहाँ, थ्री एक्स हो जाएगा और यहाँ पर है थ्री एक्स, तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, इधर भी थ्री एक्स स्क्वायर आ रहा है और इधर भी आपका थ्री एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाए तो एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन देख लीजिए तो ये सभी ऑप्शन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बना करके आपसे बनता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज टू एज इट्स रूट। तो किस इक्वेशन का दो रूट है, ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर ये जिस इक्वेशन का रूट होगा उसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर इधर जीरो है तो इस तरफ भी जीरो आना चाहिए। तो देखते हैं किस इक्वेशन में ऐसा होता है। तो जब यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम दो रखते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर चार माइनस यहाँ पर हो जाएगा आठ प्लस पाँच, क्या ये जीरो आ रहा है क्या, नहीं ये जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको आप ऐड कीजिए तो नाइन माइनस एट इक्वल टू वन, तो ये जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में चेक करते हैं। तो यहाँ पर जब हम दो रखते हैं तो हो जाएगा चार, और इसमें जब रखेगा तो हो जाएगा छः
माइनस 12, तो क्या ये हो रहा है क्या? नहीं, ये 10 माइनस 12 भी जीरो नहीं हो रहा है। तो चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर रखिएगा तो 2 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 7 गुने 2 और प्लस यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर आपका 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है, तो इसको ऑप्शन में सुधार लीजिएगा, 6 है। अब इसको कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर प्लस में 6 है, तो ये हो जाएगा 14, यानी कि 14 और यहाँ पर जब इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस 14, तो यानी कि यहाँ पर 14 माइनस 14 इक्वल टू कितना आ जा रहा है? 0, जो कि इक्वल है। तो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन कीजिए तो इसमें भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें इक्वेशन दो रूट होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होता है, तो उसमें से एक रूट आपको दिया हुआ था। जब ये रूट है तो कन्फर्म है कि बैठाएंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी में सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें तो आपको टिक मारना है, सॉल्यूशन थोड़े करना है। कह रहा है कि यहाँ भी 1/2 रूट है इस इक्वेशन का, ठीक है, तो के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो जब एक इस इक्वेशन का रूट है तो मतलब कि एक्स का वैल्यू है, तो एक्स का वैल्यू बैठा के देखिए, तो जब यहाँ पर रखेंगे एक्स का वैल्यू तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में के इंटू 1/2 होगा, ठीक है, इसके बाद माइनस 5/9 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब एलसीएम लेंगे, 5/9 है, यहाँ पर 4 है, जब इसका और ये दोनों का सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4/4, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1, और जब 0 की इस तरह भेजेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ से जब भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है? k का वैल्यू आ रहा है 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें क्या करा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर 0 है, ये वाला 0, इसका क्या रूट होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये चारों में से कौन सा होगा। तो ये तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर दीजिए, और नहीं तो इसका रूट फाइंड आउट कीजिए। रूट फाइंड आउट आप इस फॉर्मूला को जानते हैं, आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है। तो या तो आप इस फॉर्मूला से बना दीजिए, और नहीं तो ऑप्शन से। तो फॉर्मूला से तो आप निकालना जानते हो, ऑप्शन से हम बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ये जो दे रखा है दोनों रूट, इसको इसमें रखेंगे, अगर जो इसका रूट होगा वो तो सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों तरफ जीरो आना चाहिए, तो इसको रख के देखते हैं। तो अगर माइनस 5 को यहाँ पर रखते हैं इस इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और प्लस 10, ठीक है। तो ये तो जीरो आ रहा है, क्योंकि 25 और 10 जोड़ेंगे तो प्लस 35 और माइनस 35, ये तो जीरो आ रहा है। चलिए ठीक है, तो माइनस 5 को रखें तो जीरो आ गया। अब माइनस 2 को भी रखेंगे, क्योंकि दो रूट है ना, इसको भी रख के देखिए, तो यहाँ पर जब इसमें रखिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर रखिएगा तो हो जाएगा माइनस 14 + 10, तो जब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 14, और 14 − 14, तो ये भी जीरो आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बाकी ये तीनों में से कोई भी रख के देखिए, इक्वल नहीं आएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो किस इक्वेशन का दो डिस्टिंक्ट रियल रूट से, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना, डिस्टिंक्ट रियल रूट कब आता है? जब डी का वैल्यू जीरो से बड़ा आता है तब, ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो, जब ये केस होता है तब हमारा डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, ठीक है। तो देखते हैं किसका डी का वैल्यू आप जीरो से बड़ा आता है, तो इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ से आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो ए का वैल्यू देता है, तो ए का वैल्यू हो गया 2, फिर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा आपका −3√2 हो जाएगा, और सी का वैल्यू हो जाएगा 9/4, ठीक है। अब इसको रखेंगे किस फॉर्मूला पर, तो आप जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इस पर आप रखिए, तो इस पर रखिएगा तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है इसको रखेंगे तो हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 ही हो जाएगा, −4, ए के जगह पर 2 है और सी के जगह पर कितना है, तो 9/4 है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर भी आ जाएगा 18, तो 18 18 ये कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा, तो ये तो डी का वैल्यू यहाँ पर 0 आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर जब रखिएगा तो ए का वैल्यू आपका इसमें 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है और सी का वैल्यू -5 है। तो इसमें जब देखिएगा, इसको जब सोल्व कीजिए तो उसी फॉर्मूला पर रख दीजिए, फॉर्मूला आपका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इतना है, इसमें रख दीजिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस 4a की जगह पर रखेंगे 1 और c की जगह पर रखेंगे -5। जब इसको कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 1 और इसको कीजिएगा तो प्लस में 20, यानी कि आ गया आपका +21, ठीक है। तो ये तो ये जो वैल्यू है 0 से बड़ा है, मतलब इसी का 2 अलग अलग रूट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी और का भी देख लीजिए, बाकी किसी का भी ऐसा केस नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही, क्लियर है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, के का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, के का वैल्यू क्या होना चाहिए जब इसका जो डी है वो इक्वल है, इक्वल रूट होता है, ठीक है, इक्वल रूट दिया हुआ है, तो इक्वल रूट तब होता है जब डी का वैल्यू 0 आ जाए, इस टाइम हो जाता है ये इक्वल रूट। तो चलिए ऐसा कह दिया, इन्होंने कह दिया कि इक्वल रूट है, तो मतलब डी का वैल्यू 0 है, तो डी का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से के का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डी निकालते हैं, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी आपको बताए थे, होता है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो रख दीजिए बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू माइनस के है, तो माइनस के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4a, ए के जगह पर 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है, और इसके बाद सी, सी के जगह पर कितना है, तो सी के जगह पर के है, ठीक है, और बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा के कॉमन अगर ले लें तो हो जाएगा के माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक के इक्वल टू 0 आ रहा है और एक आ रहा है के इक्वल टू 8, क्योंकि इसका भी तो 0 से कंपेयर करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए उम्मीद है समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूट है ये आपसे पूछ रहा है, तो डी निकाल के देखेंगे। डी निकालेंगे यहाँ से तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बी के जगह पर कितना है, तो माइनस रूट 5 है, तो माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस 4, ए के जगह पर 2 है और सी के जगह पर 1 है, तो इसको जब सॉल्व कीजिए तो 5 - 8 इक्वल टू -3 जीरो से क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, नो रियल रूट, तो नो रियल रूट किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब डी का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, तो नो रियल रूट का मतलब डी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो देख लेते हैं किस इक्वेशन में नेगेटिव है, तो पहला इक्वेशन चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो इसमें रखते हैं, बी के जगह पर कितना है, तो -4 है, -4 का हो जाएगा 16, -4 इंटू ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर है 3√2, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 16 - 12 और √2 का जो वैल्यू है वो 1.41 होता है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 - 16 point something, ठीक है, तो कुछ आएगा, तो कुछ आएगा, तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये जो रियल रूट है इसी के पास नो रियल रूट है, ठीक है, तो नो रियल रूट है, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 2 = 0 हैज इक्वल रूट, तो इक्वल रूट है तो के का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो करके देखें और कमेंट करके बताएं कि कौन सा आपका ऑप्शन आएगा। चलिए तो हम भी सॉल्व करते हैं, तो जब इक्वल रूट कह दिया है इसका मतलब डी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा,
तो जीरो आएगा तो रखते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये होता है ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना है तो के है, तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस फोर ए, ए के जगह पर कितना है तो ए के जगह पर दो है और सी के जगह पर भी दो है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो माइनस 16 है उधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फोर किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। स्क्रीन छोटा होने की वजह से दोस्तों सोल्व क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझ लीजिएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, तो लिखा हुआ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। तो इसमें से क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट आपसे पूछ रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी, बी के जगह पर क्या है, सॉरी बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो बी के जगह पर माइनस फोर है, तो माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर माइनस टू फोर ए सी होता है, तो फोर ए, ए के जगह पर दो है, दो रख दिए, और सी के जगह पर कितना है, तो सी के जगह पर है थ्री, तो थ्री रख दिए। अब इसके बाद इसको जब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 16 - 48 ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 48 नहीं होगा, इसमें 8 + 3 = 24 हो जाएगा। तो माइनस में आ रहा है, माइनस में ये आ रहा है ठीक है, माइनस में यहाँ पर आ रहा है, मतलब डी लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो किस सिंबल में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों इस चैप्टर का आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं तो आप हमें बताएगा, या फिर किसी चैप्टर का, किसी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप चाहते हैं तो बताएगा, जैक बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड का आपको मिलेगा, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, तो जल्द उसी कमेंट पर आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और बताया कीजिए कैसा लगता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।